eyes in the sky, gazing far. तुम बोले तो रेडियो सिटी 91.1 पर, और यस, आपकी फिटनेस ही आपको सबसे ज्यादा खूबसूरत बनाती है, नॉट जस्ट इन टर्म्स ऑफ लुक्स, बट वो कॉन्फिडेंस जो आपको फिटनेस के करीब लाता है, वो पॉजिटिव वाइब्स, वो सबसे अमेजिंग होती है. तो मैं आज आपके साथ में एक सीक्रेट शेयर करना चाह रही हूँ जो एक्चुअली आपको लाइफ में सिर्फ फिटनेस ही नहीं बल्कि जो कुछ भी आप अचीव करना चाहते हैं उसके और करीब ले आएगा. और ये सारी चीज़ें करने का एक ही सीक्रेट होता है, और वो सीक्रेट शुरू होता है आपके माइंड से. माइंड, इट प्लेज एवरीथिंग. अगर आपने लाइफ में कोई गोल अचीव किया है तो भी आपकी वजह से, अगर आपने लाइफ में कुछ अचीव नहीं किया, करना चाह रहे थे लेकिन नहीं कर पाए, तो भी किसकी वजह से? आपकी वजह से. सपोज आपने इसके पहले कभी शायद 2-3 kgs लूज किए होंगे, आपने डाइट फॉलो किया होगा, आपने वर्कआउट किया होगा, किया था ना, अचीव किया था. किसकी वजह से किया था? खुद की वजह से किया था, बिकॉज आपने अपने आप को प्रिपेयर किया था. आप कई बार डाइट फॉलो करने में फेल हो गए, नहीं कर पाए, बिकॉज आपके माइंड ने इतना कॉन्सेंट्रेट नहीं किया, तो आप वहां पर फेल हो गए, वो भी आपकी माइंड की वजह से. तो ये हमेशा एक आप ध्यान रखें, हम कितना ही सर्कमस्टांसेस को दोष दे दें या फिर कह दें कि वो हमारे फेवर में थे, बट सर्टेनली ये सारी चीजें आपसे शुरू होकर आपकी पर खत्म हो जाती हैं. तो सबसे पहली चीज आप नोट डाउन करें, दैट यू वांट टू डू दिस एनीहाउ, एंड मेक अ बिग पिक्चर ऑफ योर, मतलब कि अपना जो बड़ा गोल है, आपका अल्टीमेट गोल जो है ना, वो लिख के रखें कि आप एक्चुअली क्या अचीव करना चाहते हैं. आपको एब्स चाहिए अच्छे से, आपको एक पर्टिकुलर पर्सनालिटी जैसी पर्सनालिटी चाहिए. क्या होता है ना, हम छोटे छोटे गोल्स बनाते हैं तो कई बार हम अपने मेन गोल से भटक जाते हैं. इसलिए हमेशा अपना जो भी आपका टारगेट है उसको माइंड में रखें, एंड देन देखिए आप किस तरह से यू नो उसको अचीव कर लेते हैं, कैसे आप उसके नज़दीक पहुंच जाते हैं धीरे धीरे फॉलो करते हुए. बी स्पेसिफिक, आपको पर्टिकुलरली ये चीज पर अभी काम करना है और यही चीज चाहिए. अपने थॉट्स को भटकाएं नहीं, बहुत सारी चीजों से खुद को कंफ्यूज ना करें. अपने आप को टाइम लाइन दें, स्टार्ट एंड एंड डेट, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. क्योंकि अगर आप टाइम की वैल्यू नहीं करेंगे, सो डोंट थिंक कि टाइम आपकी वैल्यू करेगा. बी रियलिस्टिक, ये नहीं कि आपने आज शुरू किया है और 2-3 दिन बाद ही आपको लग रहा है यार नहीं चलो जाकर के कुछ खा लेते हैं, यार कुछ मीठा खाने का मन कर रहा है. सो दिस वे यू कैन नॉट अचीव इट. नो बिंज, मतलब ऑफकोर्स यार 30 डेज का अगर आप एक प्लान सेट कर रहे हैं तो इतना लंबा टाइम आप अपने आप को कंट्रोल करके नहीं रख सकते, लेकिन ये नहीं कि आप हर 4-5 दिन में बिंज कर रहे हैं. हफ्ते में एक बिंज मील आप रख सकते हैं, बिंज डे भी नहीं, बिंज मील. तो बी रियलिस्टिक, एंड आप जब ये सब फॉलो करेंगे तो ही आप ये अचीव कर पाएंगे, ये हमेशा अपने आप को याद दिलाते रहें. चेंज योर इमेज, मतलब कि इमेज अपनी चेंज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. अगर आपने पहले कुछ अचीव नहीं किया, आपको लग रहा है आप आगे भी नहीं कर पाएंगे, तो ये नहीं होता है. बस आपको हमेशा खुद को याद दिलाना है कि ठीक है, पहले ऐसा था, अब आगे ऐसा नहीं होगा, और अब आई एम नॉट दैट पर्सन जो मैं पहले था, आई हैव आउटग्रोन माई सेल्फ, माई ओल्ड सेल्फ. एंड डोंट वरी, बिकॉज वरी एड्स ऑन टू दिस स्ट्रेस, एंड वो नेगेटिव डायरेक्शन में चला जाता है. सो टेंशन ना ले, यू विल स्लोली अचीव योर टारगेट. द यूनिवर्स इज वर्किंग फॉर यू बिकॉज यू आर वर्किंग फॉर योर सेल्फ. अगर आपको कुछ अचीव करना है, सो टीच योर सेल्फ एवरी डे समथिंग न्यू. आपको ये डाइट फॉलो करनी है तो जाइए आप सर्च कीजिए गूगल में, मिलियंस ऑफ आपको मील्स मिल जाएंगी. अगर आपको वर्कआउट्स अलग अलग तरह के करने हैं, आपको हंड्रेड्स ऑफ वर्कआउट्स मिल जाएंगे, लैक्स ऑफ वर्कआउट्स मिल जाएंगे. सो जाइए, जस्ट चेकआउट कीजिए एंड मेक कॉन्स्टेंट एफर्ट्स, और यही चीज आपको अपने गोल के नज़दीक पहुँचाती है. एंड फाइनली आपको जो भी आपने प्लान किया है वो अचीव कर लेते हैं. जस्ट ट्राई दिस आउट, एंड ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ थी, फिटनेस से रिलेटेड भी, इसलिए मैंने आपके साथ शेयर किया. बने रहिए आप, हम बोले तो रेडियो सिटी 91.1 पर दीपिका के साथ, रख में नागपुर सिटी. Eyes in the sky, gazing far into the night, I raise my hand to the fire.